सेक्शन टू ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि सेक्शन टू में बताई गई है डेफिनेशंस, कि डेफिनेशंस में जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो ए से लेकर और वाई तक डिफाइन की गए हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं डेफिनेशन में, ए में बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस की। तो सीआरपीसी के शेड्यूल वन में ये बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस बिलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बिलेबल है। आप अब अगर बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट के पीछे आप देखेंगे तो शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड। तो शेड्यूल फर्स्ट में उस ऑफेंस के सामने, ठीक सामने लिखा हुआ है कॉलम नंबर 5 में, कि वो ऑफेंस जो है वो बिलेबल है या फिर नॉन बिलेबल है। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी में बताया गया है चार्ज। चार्ज का मतलब कि जब कोई एक्यूज के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल होती है, तो उसके दाखिल होने के बाद न्यायालय एक चार्ज बनाता है उस एक्यूज के खिलाफ। वहाँ पर एक्यूज एक हो सकता है या फिर एक्यूज दो हो सकते हैं या फिर मोर देन दैट भी हो सकते हैं, तो वो चार्ज चार्ज कहलाता है। तो नेक्स्ट नंबर सी है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल का मतलब कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये अथॉरिटी देता है कि वह आपको बिना किसी न्यायालय के वारंट के बिना भी आपको अरेस्ट कर सकता है, उसके पास ये पावर है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी अधिकारी को आपको अरेस्ट करने की पावर नहीं है, उसको पहले न्यायालय से वारंट लेना है, उसके बाद आपको वह अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट डी में पार्ट आता है कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट कंप्लेंट क्या होता है, कोई भी ओरली या फिर रिटर्न एलिगेशन, किसी पर एलिगेशन लगाया आपने, चाहे वो मुंह से कहा हो या फिर रिटर्न में दिया हो, वो उसे कहते हैं कंप्लेंट। या फिर जैसे अगर आप एफआईआर लिखाने जाते हैं और एफआईआर आपकी एक किसी थाने में नहीं लिखी जाती है, तो आप न्यायालय के पास भी आ सकते हैं, न्यायालय के पास एक अपना प्रार्थना पत्र के साथ साथ कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, और कोर्ट में उस पर संज्ञान लेगी और संज्ञान के बाद वो केस एज अ कंप्लेंट केस ट्रीट होगा आपका, ना कि स्टेट केस। आगे की जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे।